ही गाइस, पिछली बार हमने इस वीडियो का आधा छोड़ा था। चलो कंटिन्यू करते हैं। एक बार मैं कितने तक किया था ये प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है? अप्रूव करके मिल जाता है उसका पेमेंट, और ऐप के अंदर आपके जितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे या फिर आपके गेम लेवल्स, यूजर्स जितने व्यू करेंगे और उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट जितनी शो होगी उसके हिसाब से आप लोगों को ऐप की अर्निंग मिल जाती है। ओके, तो ये सब कुछ इसके लिए, और एक मैंने बना के रखा है यहाँ पे, दिखाता हूँ। हाँ, ये वाला सो डैशबोर्ड का ये भी है, तो यहाँ पे सब कुछ ऐप अर्निंग वगैरह दिखाई देती है, तो यही हमें यहाँ पे अभी रिप्लेस करना है इसके साथ। तो थोड़ा पीछे आता हो, ख़त्म कहाँ पे हुआ एक बार देखना होगा। मिल जाता है उसका पेमेंट और ऐप के। ओके, सो ऐप के लिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, नए वाले को शुरू करना है, पुराने नए वाले को निकाल देना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पर जाके इंसर्ट की फ्रेम मैं क्लिक करके क्लासिकल ट्विन, देन इसको सेलेक्ट किया, इसको पहले लेके आते हैं इंसर्ट की फ्रेम, इसको लॉक कर लेते हैं और इसे लेके आए कंट्रोल के, पहले सेलेक्ट करके सेट कर दिया प्रॉपरली अलाइन करके, मैं क्लिक करके कन्वर्ट टू सिंबल। ये हमें क्या करना है, ग्राफिक, ओके, और एक बार कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू सिंबल ग्राफिक, ओके। अभी हमें इंसर्ट की फ्रेम, मैं क्लिक करके क्लासिकल ट्विन, इसे मैंने सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज में गए, तो फर्स्ट की फ्रेम पे करना था मुझे, यहाँ पे अल्फा 0 कर देना है और इसे सेलेक्ट करके ऊपर वाला सेलेक्टर, तो इसे सेलेक्ट करके अल्फा 0 सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम, ओके। और ऐप के अंदर आपके जितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे या सो ऐप के अंदर, तो यहाँ पे आ गए, देखो योर गेम एनालिटिक्स, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो अंदर चला गया, इसे हमें क्या करना है, होल्ड रखना है पहले, तो देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया और F5 प्रेस करके रख दिए, ओके, डन। नया लेयर, यहाँ पे हमें क्या करना है, रेक्टेंगल टूल लेके फिल कलर हमें ब्लैक, और यहाँ से हम ड्रैग करके राइट क्लिक करके इसको मैंने डबल सेलेक्ट कर लिया, कन्वर्ट टू सिंबल, ये ग्राफिक है, सॉरी, इसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट टू सिंबल मूवी क्लिप, ओके। इसमें अल्फा हमें 80 रखना है, ये अगर नहीं रखा तो भी चलेगा, लेकिन समझने के लिए मैं रख देता हूँ। ब्लर लॉक 10, डन हो गया। अभी उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पीछे आते हैं, हाँ यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसको हम 2563 सेट कर दिए। अभी डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ये डायरेक्टली आ जाएंगे। सो हम लोग ये ज़रा जल्दी से स्टार्ट करेंगे कि ऐप का दिखाना है, तो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से ही। सो इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम, सॉरी इंसर्ट की फ्रेम करना था हमें, और यहाँ से हमें डिलीट कर देना है पीछे वाला पोर्शन, ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो की फ्रेम थोड़ा कम ले लिए क्लासिकल, और डबल क्लिक करके नया लेयर लॉक
फिल कलर हमें अपोजिट चाहिए या फिर जितना हो सके उतना दूसरा कलर रख दो। ठीक है, ऑफलाइन मोड पे एक बार देख लेते हैं। तो आपके हिसाब से मैं मैनेज भी कर लेना, कंट्रोल एक्स नीचे ले लेयर पे आके कंट्रोल शिफ्ट वी, पहले डी सेलेक्ट कर दो, बाद में सेलेक्ट करके डिलीट कर देना। ठीक है, हो गया। हमें अंदर तो होल नहीं रखना है। ओके, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके अल्फा जीरो कर देना है ताकि ये ऐसे दिखाई दे। देखते एक बार का पेमेंट और ऐप के अंदर आपके जितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे, सो फॉलोअर्स बढ़ेंगे, सो यहाँ पे फॉलोअर्स हैं, यह हाईलाइट होगा। और या फिर आपके गेम लेवल्स, यूजर्स जितने व्यू करेंगे और उस, तो गेम लेवल्स यहाँ पे हैं, गेम लेवल्स और यूजर्स जितने व्यू करेंगे, सो व्यू भी यहाँ पे। ठीक है, और सुनते हैं, एडवर्टाइजमेंट जितनी शो होगी उसके हिसाब से आप लोगों को ऐप की अर्निंग मिल जाती है। तो ऐप अर्निंग यहाँ पे व्यू अर्निंग जो भी है। ठीक है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, फॉलोअर्स। तो फॉलोअर्स के लिए करना है तो पहले हमें क्या करना होगा, एक मिनट, इसको फेड आउट करना है वापस से, जल्दी से जल्दी। इंसर्ट की फ्रेम, इंसर्ट की फ्रेम, अल्फा जीरो, आई क्लिक करके क्लासिकल ट्विन, भारत एक बार देख लेते हैं। और ऐप के अंदर आपके जितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे, बराबर हो गया। फॉलोअर्स के लिए भी टाइम चाहिए यहाँ पे, सो इंसर्ट की फ्रेम डबल क्लिक करके, सॉरी हाँ डबल क्लिक करके पहले मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ नीचे से। बाहर आता हूँ, इसे हमें ऊपर लेना अभी बाहर आके। ओके, इंसर्ट की फ्रेम सिलेक्ट किया, यहाँ पे 80% कर दिया, आई क्लिक करके क्लासिकल ट्विन। अभी हम अंदर जाते हैं यहाँ पे और फॉलोअर्स के लिए बनाएंगे, फिर लॉक किया, आउटलाइन मोड पर रख देता हूँ ताकि दिखाई दे। लेयर को देखो कौन सा लेयर सिलेक्टेड है, फॉलोअर्स, सो फॉलोअर्स को मैंने सिलेक्ट किया। अभी ये सिलेक्ट करके कट करके इस लेयर के ऊपर ला के मैंने पेस्ट कर दिया और बाद में आउटलाइन मोड से निकाल के डिलीट कर दिया। बाहर आते देख लेते एक बार, सॉरी यहाँ पे नहीं और बाहर, क्योंकि साउंड यहाँ पे। और ऐप के अंदर आपके जितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे या फिर आपके गेम लेवल्स, तो गेम लेवल्स यहाँ पे भी है, सो हम लोग इसको ही उठा के आगे जाते, राइट क्लिक करके रिवर्स फ्रेम, ओके, और यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम, सेम ही प्रोसेस करनी हर बार लगभग। अभी डबल क्लिक करके इसको हम नीचे लेके आते हैं, मतलब बढ़ाते एक्चुअली, सो ये बढ़ाया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ाया। बाहर आते हैं, पहले अभी मूव कर दो इसको इस तरीके से, ठीक है,
अभी गेम लेवल्स को करने के लिए डबल क्लिक के अंदर इसको पहले लॉक कर लेते हैं, और ऊपर वाले लेयर के ऊपर मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ये ज़रा ज़्यादा ही हो रहा है, तो आउटलाइन मोड पे ही कर लेते ताकि दिखाई दे। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी ठीक है, बाद में मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, कट किया, यहाँ पे रख के पेस्ट कर दिया। आउटलाइन मोड से पहले देख लेना सिलेक्ट हुआ या नहीं, डिलीट करके वापस बाहर आ गए। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि की फ्रेम्स भी मैं नज़दीक नज़दीक ही कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम ही है उसके हिसाब से। सो मैंने सेलेक्ट किया, अल्फा जो है वो 80 कर दिया। ओके, सेम वापस सेलेक्ट करके अल्ट्रा रख के थोड़ा आगे ले लिया, राइट क्लिक करके रिवर्स फ्रेम कर दिया। रिवर्स फ्रेम यहाँ पे बाहर थे, एक बार प्ले करके देख लेते हैं। आपके गेम लेवल्स यूजर जितने व्यू करेंगे और उसके अंदर, एक मिनट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ऐप के अंदर आपके जितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे या फिर आपके गेम लेवल्स यूजर जितने व्यू करेंगे और उसके अंदर एडवर्टीजमेंट जितनी शो होगी उसके हिसाब से आप लोगों को ऐप की अर्निंग मिल जाती है। सो यूजर जितने व्यू करेंगे, ठीक है। सो एक बार पीछे आते थोड़ा और यहाँ से देखते हैं, बढ़ेंगे या फिर आपके गेम लेवल्स यूजर जितने व्यू करेंगे। ओके, सो व्यू करेंगे, व्यूज के लिए यहाँ पे नीचे हैं तो ये भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से ये निकल गया, उसके बाद नज़दीक से ही हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट की फ्रेम, डबल क्लिक किया, इसको और बढ़ाया यहाँ पे, आउटलाइन मोड पे रख दिया। बाहर आते इसको उठा के हम ऊपर के लिए मैं एरो की दबा देता हूँ। ये ठीक है, अभी हम डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे और यहाँ पे व्यूज के लिए बनाएंगे। तो व्यूज सेलेक्ट करके एडजस्ट कर लेना पहले, बाद में ही यहाँ पे जाके कंट्रोल पेस्ट सेलेक्ट कर लेना, डिलीट, सॉरी देखो ऐसे हो जाता है, इसलिए सिलेक्शन प्रॉपरली कर लो, आउटलाइन मोड से निकाल के बाद में डिलीट कर देना। इंसर्ट की फ्रेम, ये थोड़ा आगे मैं क्लिक करके क्लासिकल क्वीन इसको सेलेक्ट किया, इसका ए अल्फा यहाँ पे हमें 80 रखना है। अभी देखते हैं। ओके, तो व्यू अर्निंग भी दिखानी ना हमें, तो पहले हम इसको थोड़ा और आगे लेके राइट क्लिक करके रिवर्स फ्रेम कर लेते हैं, बाहर आते यूजर जितने व्यू करेंगे और उसके अंदर एडवर्टीजमेंट जितनी शो होगी उसके हिसाब से आप लोगों को। ओके, तो ये थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, कि बीच में टाइम ज़्यादा बच रहा है ना, तो ये आगे बढ़ा दिया। व्यू का भी हम आगे बढ़ा सकते हैं उसी तरह से, ये कि डायरेक्टली अर्निंग व्यूज दिखाने हैं ना हमें, इसलिए एक बार बाहर आता हूँ देखता एक बार। बढ़ेंगे या फिर आपके गेम लेवल्स यूजर जितने व्यू करेंगे और उसके अंदर एडवर्टीजमेंट जितनी शो होगी उसके हिसाब से आप लोगों को ऐप की अर्निंग मिल जाती है।
ऐप की अर्निंग, उनको ऐप की अर्निंग उसके हिसाब से आप लोग 2850 यहाँ से, फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग चाहे तो। इंसर्ट की फ्रेम डबल क्लिक किया, हमें क्या करना है इसको बढ़ाना है ऐसे। ओह बाहर आके उसको उठा के ऊपर लेना है। ओके इंसर्ट की फ्रेम डबल क्लिक करके अंदर जाते हैं, आउटलाइन मोड पे हम लोग क्या करेंगे अर्निंग व्यूज ये जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चाहे तो एडजस्ट कर लेना आपके हिसाब से। फिलहाल कट करके यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट वी, बाद में आउटलाइन मोड से निकाल के सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। भारत तो शो फ्रेम्स क्लिक करके क्लासिकल ट्विन यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये हो गया 80% भी। इसको सेलेक्ट करके थोड़ा आगे जाके मैं क्लिक करके रिवर्स फ्रेम कर देता हूँ, देखते हैं बाद में कितना होगा कितना नहीं। उसके हिसाब से आप लोगों को ऐप की अर्निंग मिल जाती है पेमेंट। तो जरा जल्दी हो गया, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम बच्चे तो, मतलब इसको थोड़ा आगे लेना होगा, ये जल्दी भी जा रहा है। हाँ ये ठीक है, शो होगी उसके हिसाब से आप लोगों को। थोड़ा पीछे जाके एक बार वापस से प्ले करके देख लेते हैं। ऐप के अंदर आपके जितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे या फिर आपके गेम लेवल्स, यूजर्स जितने व्यू करेंगे और उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट जितनी शो होगी उसके हिसाब से आप लोगों को ऐप की अर्निंग मिल जाती है। पेमेंट रिसीव करने के लिए आप लोगों को ओके सो यहाँ तक हम खत्म करते हैं इस वीडियो को, बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।